बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी को आम आदमी पार्टी ने किया बाहर। प्राथमिक सदस्यता रद्द कार्रवाई पर दिल्ली के लक्ष्मीनगर से विधायक बिन्नी ने कहा, मैं नहीं हूं आम आदमी पार्टी का मोहताज। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि दिल्ली की जनता के मुद्दों को आपको याद दिलाए और उसे आप शिवसेना पार्टी से इसको बाहर निकाल दें। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी बिन्नी के रुख में कोई बदलाव नहीं। आज से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी विधायक बने रहेंगे बिन्नी। आम आदमी पार्टी से बिन्नी को निकाले जाने पर योगेंद्र यादव ने जताया दुख। ट्विटर के जरिए कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी का दामन थामने से पहले कांग्रेस में थे बिन्नी। 2009 से 11 तक कांग्रेस के सदस्य थे बिन्नी। बिन्नी ने एके वालिया को हराकर विधायक का चुनाव जीता। केजरीवाल के मंत्री सोमनाथ के खिलाफ उपराज्यपाल से आज मिलेगी दिल्ली महिला आयोग। बर्खास्त करने की बरखे की मांग। महिला आयोग FIR भी दर्ज करवाने की मांग उठाएगी। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी भी राज्यपाल का खटखटाएगी दरवाजा। राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर बर्खास्त करने की रखेगी मांग। बीजेपी ने आपको 26 जनवरी तक का दिया था अल्टीमेटम। राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन और उस पर हुआ सियासी बवाल। केजरीवाल ने शेखर कपूर के ट्वीट को आगे बढ़ाया। फिल्मकार शेखर कपूर ने राष्ट्रपति के भाषण पर लिखा था, आंदोलन और अराजकता एक चीज नहीं। MNS प्रमुख राज ठाकरे ने टोल टैक्स के खिलाफ फिर से खोला मोर्चा। नवी मुंबई में कार्यकर्ताओं से कहा, महाराष्ट्र में मत देना टोल टैक्स, अगर कोई रोके तो बिना डरे उसे वहीं पीट देना। बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर के करीब नाव हादसे में मरने वालों की तादाद पहुंची 28। डूबने वालों में ज्यादातर तमिलनाडु के। जयललिता ने 1 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने कर्मचारी को किया रिहा। 3 अब भी गिरफ्त में। सभी मनरेगा से जुड़े काम के लिए पीरटांड गए थे। बोकारो स्टील प्लांट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। जल सत्याग्रह के जरिए बुलंद किया आवाज। कोलकाता में कस्टम पुलिस ने 40 हथियार जब्त किए। बस से मिले सभी हथियार। दिल्ली में 28 साल की शादीशुदा महिला के साथ चलती कार में रेप। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम। रेप के बाद आनंद विहार बस टर्मिनल के पास फेंक कर भाग निकले आरोपी। आनंद विहार टर्मिनल पर महिला को रोते देख पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने लाल बहादुर शास्त्री में कराई महिला की जांच। रेप की हुई पुष्टि। मधुविहार थाने में मारपीट और रेप का मामला दर्ज। दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में एक दुकान को लेकर खूनी झगड़ा। 2 महिला समेत 10 लोग घायल। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले 1 साल में 600 किलोग्राम ड्रग्स जब्त होने का खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ रुपए कीमत। लुधियाना की एक फैक्ट्री में धमाका। 1 शख्स की मौत। 3 घायल। मोदी के खिलाफ बिहार में कांग्रेस RJD LJP के साथ मिलाएगी हाथ। लोकसभा सीटों को लेकर जल्द ऐलान के आसार। सूत्रों के अनुसार बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 20 पर लड़ेगी RJD। कांग्रेस 10, LJP 8, NCP 2 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान से की मुलाकात। पहले पासवान के नीतीश के साथ जाने की थी खबर। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा की कुर्सी खतरे में। कांग्रेस CM को लेकर इसी हफ्ते होगा फैसला। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, इंदिरा हृदयेश CM पद के दावेदार। गैर कांग्रेसी विधायकों की बड़ी गतिविधियां। शीला दीक्षित को हिमाचल से राज्यसभा में भेजने पर राहुल गांधी कैंप ने जताया विरोध। दिल्ली में हार के बाद जवाबदेही के मामले पर फंसा टिकट। मुंबई में मोदी की मौजूदगी में मनेगा लता मंगेशकर के गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के 50 साल पूर्ण होने का जश्न। 1 लाख लोग गाएंगे गीत। लता मंगेशकर खुद लोगों का बढ़ाएंगे हौसला, खुद नहीं गाएंगे गीत। मशहूर कवि प्रदीप ने लिखे थे ऐ मेरे गीत वतन
के बोल पहली बार 27 जनवरी 1963 के दिन पंडित नेहरू की मौजूदगी में लता ने गाया था। यूपी के कौशाम्बी में गांव के मंदिर में हो रही नरेंद्र मोदी की पूजा, गांव वालों ने स्थापित की प्रतिमा। मोदी की पूजा अर्चना के साथ मंदिर में पढ़ा जाता है मोदी चालीसा। राज्यसभा में जाने की खबरों का आडवाणी ने किया खंडन, कहा लोकसभा चुनाव लड़ने का कर रहा हूं विचार। बीजेपी के अंदर थी अटकलें, आडवाणी मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा में भेजने की तैयारियां। एक महीने में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तोड़ी भ्रष्टाचारियों की कमर, एंटी करप्शन ब्रांच ने एक महीने में ही तोड़ा साल 2013 का रिकॉर्ड, महज 30 दिन में 7 मामले दर्ज। विश्व भारती के वीसी सुशांतो दास गुप्ता को पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर विवाद, वीसी पर यौन शोषण के लगे हैं आरोप, बीजेपी ने किया विरोध। आज तक के नाम एक और अवार्ड, कोलकाता में 22वें सालाना कलाकार अवार्ड में बेस्ट न्यूज चैनल का मिला खिताब, कलाकार परिवार फाउंडेशन ने तीसरी बार दिया अवार्ड। फिल्म जय हो की फीकी शुरुआत पर बोले सलमान, सोमवार तक कीजिए इंतजार। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर दिखी देश के आन बान शान, जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान ने दिखाई ताकत, पहली बार परमाणु शक्ति की भी नुमाइश। दिल्ली के साथ साथ देश के सभी राज्यों में फहराया गया तिरंगा, गुजरात के हिम्मतनगर में राज्यपाल कमला बेनीवाल ने ली सलामी, मुख्यमंत्री मोदी भी समारोह में थे मौजूद। कोलकाता में गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल ने ली परेड की सलामी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रही मौजूद। पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल ने पटियाला में फहराया तिरंगा, परेड के लिए सलामी। वाघा बॉर्डर पर जवानों ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस, देशवासियों को दी बधाई। कल हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे, सीरीज में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में मैच जीतना होगा। पिछली सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, 6 फरवरी को ऑकलैंड में होगा पहला टेस्ट। एडिलेड वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराकर नंबर 1 पर किया कब्जा, 4-1 से जीती सीरीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स्ड डबल्स फाइनल में सानिया मिर्जा और उनकी रोमानियन पार्टनर होरिया टेको को मिली हार, फ्रांस की क्रिस्टीना और कनाडा के डेनियल ने हराया। साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को दी मात, सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया ग्रोप्री गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पर किया कब्जा। सेंट्रल लंदन में जॉबिक पार्टी के खिलाफ उठा विरोध का स्वर, जॉबिक पार्टी पर यहूदी रोमा समुदाय के खिलाफ नस्लभेद गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। फिर जाग उठा यूरोप का माउंट एटना ज्वालामुखी, लगातार धुएं का गुबार, लावा निकलना जारी। रोमानिया में बर्फीले तूफान ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा, गाड़ियों में फंसे 400 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। वेटिकन से दुनिया को शांति का संदेश, सफेद कबूतर को समुद्री चिड़ियों से बचाकर किया गया आजाद। टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कार्ल स्लिम का रविवार को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में निधन, होटल में ऊंचाई से गिरकर हुई मौत।